इस वीडियो में देखेंगे माय फॉरेक्स फंड के बंद होने के बाद में कौन सी है वो प्रॉप फर्म जिसके साथ आप जा सकते हो, जिसपे आप ट्रेड कर सकते हो। हे दोस्तों, मैं काश गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल स्टेप ट्रेडर्स पे। इस वीडियो में हम फॉरेक्स के प्रॉप फर्म के बारे में देखने वाले हैं। हमें पता है माय फॉरेक्स फंड बंद हो चुका है, काफी लोगों को ऐसा लगता था कि वापस आएगा, बट हमने बहुत पहले ही बता दिया था डे वन 1 सितंबर को ही कि माय फॉरेक्स फंड अब कभी भी वापस नहीं आएगा। एंड उसके बाद में मैंने काफी सारे वीडियोस डाले थे कि माय फॉरेक्स फंड पे एलिगेशन क्यों लगे हैं, क्या उसके रीजंस हैं, क्या बाकी प्रॉफर्म सेफ हैं या नहीं। सो उसके बाद में मेरे काफी सारे कमेंट्स आए थे मेरे पास, कि टेलीग्राम पे भी काफी मैसेज आए थे कि सर प्रॉफर्म बताइए कौन सी बेस्ट है, क्या हमें करनी चाहिए प्रॉफर्म पे या नहीं, प्रॉफर्म पे हमें कितना पे आउट मिलेगा, क्या हमारा फंड सेफ है। बहुत सारे ऐसे मेरे पे कॉमेंट्स आए थे। सो बेस्ड ऑन डैट ऑल अब मैं एक प्रॉफर्म इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, उस पर आप ट्रेड कर सकते हो, उस पर ट्रेड करने के क्या क्या फायदे हैं, कैसे वो प्रॉफर्म सेफ है और क्या क्या उस पर आपको एडवांटेज मिलने वाले हैं, सब कुछ अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। मेक श्योर वीडियो को पूरा देखें अगर आप फॉरेक्स में प्रॉफर्म ट्रेड करना चाहते हो, और अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख दो। वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू हेल्प इन बेस्ट पॉसिबल वे। मैं सारे कॉमेंट्स देखता हूँ आप सभी के, चाहे रिप्लाई करूँ ना करूँ, जो रिप्लाई करने का इतना टाइम नहीं हो पाता है, बट मैं देखता सब कुछ हूँ। डोंट वरी, आपको जो भी डाउट है वी विल ट्राई टू कवर इन नेक्स्ट वीडियो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। सो इस टाइम माय फॉरेक्स फंड पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, आपको पता होगा। अब माय फॉरेक्स फंड बंद होने के बाद में जो नेक्स्ट प्रॉफर्म है जिसपे आप ट्रेड कर सकते हो, जो सेफ है, दैट इज फंडेड नेक्स्ट। Why this is safe is because Funded Next is registered in UAE Dubai, and Dubai you all know trading के मामले में एक hub है, चाहे crypto हो या forex हो, Dubai is the hub of trading। पूरा crypto market हमारा 90% वहीं से ही regulate होता है। And इसके साथ साथ Funded Next में और भी काफी सारी चीजें हैं जो अभी हम आगे आपको बताने वाले हैं। और Funded Next में अगर आपको register करना है तो उस पर आपको 10% तक का discount मिल सकता है। कैसे मिलेगा डिस्काउंट, क्या कोड है उसका, आगे वीडियो बने रहिए, आपको सब समझ आ जाएगा। और फंडेक्स का मैंने पहले डिटेल रिव्यू कर रखा है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। बाकी आप डिमांड करोगे कि फंडेक्स में माय फॉरेक्स फंड के बाद में हमें एक और वीडियो चाहिए, कि इसमें आपको कंपेयर करके दिखाऊं क्या क्या एडवांटेज है माय फॉरेक्स फंड से जो फंडेक्स में है और माय फॉरेक्स फंड में नहीं थे। सो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं इस पे एक और डिटेल वीडियो आपको बता दूंगा। सो देखो, फंडेक्स में सबसे बड़ा एडवांटेज मैं आपको अभी बताता हूँ, दुबई में यूएई में रजिस्टर्ड है। सेकंड, इनका लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। माय फॉरेक्स फंड बंद क्यों हुआ, बिकॉज दे डोंट हैव एनी लिक्विडिटी प्रोवाइडर, एंड लिक्विडिटी प्रोवाइडर के बिना मार्केट नहीं चल सकता। मैंने सारे वीडियो में बताया, अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो आपको अब तक ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि लिक्विडिटी इज द मेजर थिंग विच रन्स द मार्केट, आइदर इन टेक्निकल चार्ट्स, आइदर इन ब्रोकर्स और इन प्रॉप फर्म्स। बिना लिक्विडिटी और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के बिना मार्केट नहीं चल सकता है। माय फॉरेक्स फंड इसलिए ही बंद हुआ है, उनका अपना ही प्लेटफॉर्म था वो ट्रेडर्स ग्लोबल के नाम से, और वहां पे कोई भी लिक्विडिटी पार्टनर उनका नहीं था। बट यहाँ पे फंडेक्स पे इनके दो लिक्विडिटी पार्टनर हैं। अगर मैं बात करता हूँ इनके MT4 प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पे इनका इंसेंटेको है, और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इनका MT5 प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पे ग्रोथ नेक्स्ट है। सो दोनों प्लेटफॉर्म पे आपको दोनों अलग अलग लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स यहाँ पे मिल रहे हैं, और इसी के साथ साथ आप उनके अकाउंट में लॉगिन भी करके देख सकते हो। दोनों के पासवर्ड आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, कितनी उनकी स्प्रेड है, क्या क्या उनके फीस है। प्लस इसमें फंडेक्स में अलग अलग तरह के अकाउंट्स हैं, स्वैप और स्वैप फ्री। आई ऑलवेज रिकमेंड कि स्वैप फ्री पे जाइए। आप शायद सोचो कि स्वैप फ्री 10% महंगा है, ठीक है, अगर आप कोई सा भी अकाउंट लेते हो मोर और लेस 8-12% थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा आपको, यस आई अंडरस्टैंड, बट वो 10% आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप ट्रेडिंग करोगे अकाउंट में। आप सोच के देखिए, आपका 100K का अकाउंट है, उस पर आपने 10 लॉट ले ली, 10 लॉट लेना बहुत ईजी है 100K पे, ठीक है, उस पर आपने अगर एक ओवरनाइट होल्ड करी तो $50 आपके वहीं पर लग जाएंगे एक ट्रेड में, और अगर आपने $50 फीस में फालतू दे दिए तो वहां पे आपको बच सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप स्वैप फ्री अकाउंट जाइए, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा बट आपको ट्रेडिंग अकाउंट में काफी हेल्प करेगा। अदरवाइज $50 आपके इक्विटी से कट होंगे, इक्विटी से कट होंगे मतलब कि आपको जो 10% ड्रॉडाउन की लिमिट ओवरऑल वो कहीं ना कहीं पास में आती हुई दिखेगी, आपका अकाउंट से बैलेंस कम होता हुआ दिखेगा, ठीक है। मेक श्योर आप अगर स्वैप फ्री पे जा सकते हैं तो उस पर जाइए। एंड इन पे 3 तरह के चैलेंजेस हैं, स्टेलर, इवोल्यूशन एंड एक्सप्रेस। आई ऑलवेज रिकमेंड स्टेलर पे जाइए, मैंने डिटेल वीडियो में बता रखा है रिव्यू में, एक और मैं इसकी वीडियो बना दूंगा, आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। स्टेलर के 2 फेस में जाइए, और वहां पे आप अगर चेकआउट पेज पे कोड यूज करोगे हमारा स्टेप ट्रेडर्स का, तो उससे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मेक श्योर आपको जो नीचे मिला हुआ है डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में,
उससे ही जाइए, अगर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट वहां पे चाहिए। अगर आप उस लिंक से नहीं गए तो यू माइट लूज दैट डिस्काउंट। और बाकी अगर हम इसकी ट्रेडिंग कंडीशंस की बात करें, नो टाइम लिमिट इन स्टेलर अकाउंट, जो इसका स्टेलर अकाउंट है वो बेस्ट है। क्यों है मैं एक डिटेल वीडियो दोबारा बना दूंगा, आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको एक और वीडियो चाहिए तो। स्टेलर अकाउंट इवेल्यूशन और एक्सप्रेस से ज्यादा बेटर है, क्यों है वीडियो में बता दूंगा मैं अगर आपको चाहिए तो। यस एंड उसके साथ साथ नो टाइम लिमिट हो गया। उसके बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज इज बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन। सी बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन इज ऑलवेज प्रेफरेबल ओवर इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन। क्यों होता है उसके लिए काफी सारे रीजंस हैं। सो उसके बाद हम आगे चलते हैं तो काफी सारी चीजें आपको उनकी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। अगेन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट मिल जाएगा। सो आप फंडनेक्स को चूज कर सकते हो, 100% सेफ है। एंड यस, अगर आपको फंडनेक्स पे हमारी साइड से गिव अवे चाहिए, अभी इस केस में काफी सारे लोगों ने अपना फंड माई फॉरेक्स फंड पैसा लॉस करा, अपना अकाउंट लूज करा है। सो वी आर प्लानिंग टू डू अ गिव अवे। अगर आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो मेक श्योर वीडियो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, सो दैट आपको गिव अवे की सारी डिटेल्स मिल जाए। हम एक नहीं तो नहीं मल्टीपल अकाउंट्स इसमें गिव अवे करने वाले हैं आप लोगों के लिए। मेक श्योर चैनल के साथ बने रहिए। कोई भी डाउट आता है प्लीज राइट बिलो इन द कमेंट बॉक्स। एंड कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलना स्टेप ट्रेडर्स का चेकआउट पेज पे, अगर आपको इस पे इंस्टेंट 10% डिस्काउंट चाहिए। बाकी बिल्कुल सेफ है, इनका लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं MT4 के अलग, MT5 के अलग, और रजिस्टर्ड हमारे दुबई में है। आपको फर्स्ट पे आउट जो मिलेगा वो मंथली में मिलेगा, उसके बाद में बाई वीकली पे आउट इससे निकाल सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक प्रॉफिट करते रहिए, इन सीखते रहिए। और अगर आपको इसके डिटेल वीडियो एक और चाहिए प्लीज राइट बिलो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू मेक अ डिटेल वीडियो कंपेयरिंग ऑल द अकाउंट्स, बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन, इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन, जितनी भी चीजें हैं सब मैं उसमें डिटेल में कवर कर लूंगा। अगर आपको चाहिए तो नीचे आप कॉमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने पहले माय फॉरेक्स फंड वाली वीडियोस नहीं देखी है, मेक श्योर आपको देख लो, आपको पूरा पता लग जाएगा कि प्रॉफर्म कैसे काम करती है, माय फॉरेक्स फंड बैन क्यों हुआ, टॉप प्रॉफर्मों के भी क्या वापस आएगा नहीं आएगा, आएगा। और उसके साथ साथ आपका अगर माय फॉरेक्स फंड में कोई पैसा फंसा हुआ है, अटका हुआ है, फीस कैसे आपको रिफंड मिल सकती है, अगर आपको वो सब जानना है तो मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। मेक श्योर आपको जरूर देख लें। अब आप यहाँ से सारी वीडियो देख सकते हो।